भारत कश्मीरियों को डराने के लिए दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी हुकूमत कश्मीरियों के आज़ादी के जज्बात को दबाने के लिए अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफा ही देखा गया है और कश्मीरियों को जाली मुकाबले में बेदरे कत्ल करना एक मामूल बन गया है। अहले कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म और बर्बरियत को भुगत रहे हैं। इस मामले पर दुनिया की खामोशी भारत को मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और जबर को बढ़ाने के लिए हौसला दे रही है। आलमी इंसानी हकूक के इदारों को मकबूजा कश्मीर में भारत की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मेंढर पुंज में 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों की भारतीय फौजियों ने तलाशियां ली हैं, जिस दौरान मकीनों पर तशद्दुद और कीमती अशिया की तोड़फोड़ की गई। जिला में वसी पैमाने पे पहरे भी बिठाए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अपने हिंदुत्वा एजेंडा मुसलत करने पर तुली हुई है, लेकिन कश्मीरी इसके मजमूम अजायम को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारत पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों के साथ 1947 में किया गया वादा पूरा करे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम मोदी के इस दावे कि अगले वर्ष भी वही लाल किले पर परचम लहराएंगे पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारत में इस वक्त जमहूरियत, आईन और इदारे तीनों खतरे में हैं और मोदी हुकूमत अगले वर्ष सिर्फ अपने ही घर पर परचम लहराएंगे। खालिस्तान नवाज तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने स्कॉटलैंड में खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड स्टर्लिंग जमा कर लिए हैं, जो आइंदा साल होगा। तहिस्ता अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन में भी भारतीय सिफारतखाने के सामने नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। सिखों के मुताबिक 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी नहीं बल्कि सिखों की गुलामी का दिन है।